गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? शतन बाब ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए यार ना, मैंने ब्लॉग है ना थोड़ा देर से स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह का वही रूटीन रहता है इस वजह से। और तीनों बच्चे चले गए स्कूल और मैं 7 बजे तक फ्री हो गई थी, और क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी थी, मैंने सोचा दोपहर को लगा लेती, पर मेरे पास टाइम था, मंदिर जाने के लिए भी टाइम था। मैंने सोचा जब तक मेरी मशीन लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस यही थोड़े बहुत कपड़े थे, तो मैं मशीन भी लगा ली है। और मशीन लगाने के बाद मैं और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। आप सभी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? शतनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ मंदिर से। सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वही रूटीन रहता है, वही सब कुछ काम करना रहता है, बच्चों को भेजो। मैंने सोचा आज थोड़ा अलग से ही बनाऊँगी, थोड़ा लेट बनाऊँगी। और मैं आई हूँ अभी मंदिर से, मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, तो मैं आई हूँ अभी मंदिर से, कपड़े डाल दिए देखिए सुखाने के लिए। सुखा कर मतलब डाल कर तो गई थी, मन की जब तक मैं आऊँगी कुछ तो धूप लगी जाएगी इनमें, तो देखिए ये मैं डाल गई थी सुखाने के लिए सभी कपड़े। ब्लैंकेट वगैरह है वो एसी वाले जो हम ओढ़ते हैं छोटे वाले, और ये अभी ये रखे हुए इतने, तो ये जब वो बाहर वाले सूख जाएंगे तब मैं इन्हें डालूँगी। और मैं बना रही हूँ चाय। मंदिर से आई थी तो गोलू और रुद्र तो सुबह ही चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं ना मंदिर से आती हूँ, उधर से ही दूध ले आती हूँ, तो इधर तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। इसमें ही दूध बचा हुआ तो मैंने इन्हें दे दिया था एक गिलास, इसका ही दूध में ही पत्ती लगा ली है मैंने, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और यहाँ ही रखी है देखिए, पानी रख दिया गर्म करने के लिए, जब तक चाय पी तो दूध हो जाएगा। और ये मलाई रखी है चलाने के लिए, मलाई चलानी है मुझे इसमें ना, ये मैंने ना सुबह ही रख दी थी निकाल करके, क्योंकि थोड़ा है ना ये देखिए यहाँ बर्फ़ लगी हुई है, ये देखिए यहाँ बर्फ़ लगी हुई है ना, तो ये ना थोड़ा पिघल जाएगी ना जब मैं मलाई को चलाऊँगी। अभी तो है ना ये टस से मस नहीं हो रही है, बस ये थोड़ा क्योंकि ये ना रात की मलाई है इस वजह से, बाकी की देखिए इधर है ना कैसी भी नहीं हो रही है उंगली, देखिए इस तरीके से अभी पूरे में बर्फ़ जमी हुई है, तो इसी वजह से मैं जो है ना इस मलाई को थोड़ा लेट चलाऊँगी। और रात को पति देव लेकर के आई थी साग, देखती हूँ उसमें क्या क्या, मैंने अभी देखा नहीं है। इसमें पालक है और ये चौलाई बोलते हैं इसे, चौलाई है, तो आज शाम को बनेगा साग, पालक का और चौलाई का साग बनेगा शाम को, तो मैं बनाऊंगी साग। इसे मैं साफ़ करूंगी बाद में, पहले मैं चाय पीऊंगी फिर मैं साग साफ़ करूंगी। और बच्चों के लिए पता है कल मैं बच्चों के लिए भी लेकर के आई थी, पर वो धागे है ना 4 धागे लेकर के आई थी मैं, तो वो जो है ना मैंने ना अलग रख दिए थे, तो इसलिए ना मुझे ध्यान नहीं रहा दिखाने का, क्योंकि वो मैंने ना बच्चों को पहनाने के लिए रखे थे, तो इस वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो देखिए ये तो मैं धागे लेकर के आई थी बच्चों के लिए, वहाँ से दाऊ जी नहीं सॉरी गोवर्धन परिक्रमा लगाने गई थी जब लेकर के आई थी, ये वाले ये धागे लेकर के आई थी, तो बस यही है। और बस यही भूल गई थी दिखाना, मैंने बोला दिखा देती हूँ। तो मैंने आप सभी को दिखा दिया है सब, बस आज तो बस चाय बन जाए, थोड़ा चाय लेकर के बैठूँगी। अब 9:20 तक गोलू भी आ जाएगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 9:20 तक गोलू आ जाएगा, उसके बाद में फिर लगता नहीं है गोलू, ऐसा लगता है बाहर गया है, कुछ सामान लेने गया है, स्कूल लगता नहीं है, स्कूल से स्कूल गया हुआ है। और मैंने ना थोड़ा ये विंडो खोल रखी है क्योंकि पूरे दिन बंद ही रहती हैं,
क्योंकि पीछे ना किसी का घर बन रहा है ना, तो फिर वही धूल मिट्टी आती है, तो मैं बंद कर देती हूँ। इस टाइम पे मैं खोल लेती हूँ। अभी देखिए मेरा सामान ऐसे कैसे रखा है, अभी मैंने ना इसे निकाला भी नहीं है, आज निकालूँगी, देखने की तो टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। मैं चाय के चक्कर में घूम रही हूँ, मेरी चाय है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बातें कर लेती हूँ जब तक चाय है ना बन रही है, अच्छे से पक जाएगी। यही मैं टीवी थोड़ा ओपन कर लेती हूँ, मुझे टीवी देखनी है, चाय पीते पीते। मैंने चला लिए हैं टीवी, अब बस चाय लेकर के बैठूंगी। अब बस सूट भी सिलने के लिए पड़े हैं, कई सूट एक तो मन नहीं करता है सिलने के लिए ही पर सिलूंगी सूटों को भी। अगर एक दिन मशीन लेकर के बैठ गई ना, नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठती हूँ ना 4:30 बजे, अब पहले 5 बजे उठती थी, अब 4:30 बजे आधा घंटा और एक्स्ट्रा हो गया है। और कोई नहीं, बच्चे तो टाइम पे चले जाते हैं ना, अगर हम ये सोचेंगे ना कि नहीं 5 मिनट और 5 मिनट और आराम कर लें, तो उसके चक्कर में बच्चे लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से है ना मैं बाद में आराम कर लेती हूँ टाइम मिलता है जब, क्योंकि अब तो है ना मैं थोड़ी देर लेटूंगी ना, अब तो नहीं ही लेटूंगी, अब तो मैं थोड़ा देखती हूँ, अभी तो कपड़े सूख रहे हैं, गोलू आएगा और खाना वगैरह भी खाएगा, क्योंकि आज गोलू लंच नहीं लेकर के गया है, क्योंकि उसका है ना ये कह रहा मम्मी 2 घंटे के लिए तो मैं स्कूल में जाता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है, तो वो वापस नहीं आता, इसलिए आकर के ही खाता है बस। सुबह ना एक आधी एक रोटी खा जाता है, फिर है ना आकर के ही खाता है, 9:30 बजे आ जाता है, उसके बाद में खाता है और टीवी देख, उसके बाद में गोलू आ जाएगा, खाना वगैरह खाएगा, फिर अपने हम अपने बस अपने देखती हूँ, सिलाई वगैरह करूँगी, सूट सिली लेती हूँ, सोच रही हूँ कब जब तक कपड़े सूख रहे हैं सूट सिल लेती हूँ, क्योंकि रक्षित को लेकर आऊँगी ना, उसके बाद में मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चलिए मैं ना चाय ले लेती हूँ, चाय मेरी बन गई है और मैं इंडक्शन से चाय उतार लेती हूँ, दूध रख दी तो गर्म करने के लिए, चलिए मैं बाद में आप सभी से बातें करती हूँ। मैं यही मैं दूसरी तरफ बैठ गई थी सूट सिलने के लिए, क्योंकि मुझे सूट सिलना था अपना, प्लाजो इसका सिल ही गया है, और मैं यहाँ सूट सिल रही हूँ अपना, जो कुर्ता होता है वो सिल रही हूँ प्लाजो के साथ का, तो मैं यहाँ सूट सिल रही हूँ। और उसके बाद में देखिए मैंने ना सुबह मलाई भी रखी थी चलाने के लिए, क्योंकि उसमें मलाई में ना बर्फ़ जम गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा ना बर्फ़ पिघल जाएगी तब मैं मलाई चलाऊंगी, क्योंकि जब बर्फ़ जब मैंने मलाई निकाली थी ना डोंगे की, तो और जो छोटी सी बाल्टी सी है ना, तो उसकी मलाई निकाली थी फ्रिज में से, तो उसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो है ना उसमें से निकलती नहीं है, और जब तक वो पिघलेगी नहीं निकलेगी नहीं, जब तक मलाई चलेगी भी नहीं, उसमें मशीन ही नहीं चलेगी, इस वजह से वो हैंड ग्राइंड है ना उससे मैं मलाई चलाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। और जब वो ठंडी हो गई थी ना थोड़ी, मतलब पिघल गई थी, उसके बाद में मैंने मलाई वगैरह चला करके जब रखी थी। मलाई चला रही हूँ, मलाई मैंने जैसे कि आपको बताया था कि थोड़ा पिघल गई थी, थोड़ा बर्फ़ पिघल गई थी जब मैंने मलाई चलाई थी, तो यहाँ मैं मलाई निकाल रही हूँ। और मैंने आपको बताया मलाई की रेसिपी पहले से ही भेज रखी है कि मैं किस तरीके से मलाई निकालती हूँ अपनी इस वीडियो में, मतलब अपने इस चैनल पर। और यही मैं दूसरी तरफ मैंने देखी जो पालक और ये लेकर आए थे ना, वो मैंने साफ़ करा था, क्योंकि मुझे शाम को बनाना था साग, और उधर ही मैंने लहसुन भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि लहसुन नहीं था बिल्कुल छिला हुआ, तो
मैंने यहाँ ना लहसुन भी छील करके रख लिया है, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर लहसुनों को ना स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि ख़राब तो होता नहीं है ना, मैं ऐसी डब्बे में भर के रख देती हूँ। और यही है ना मलाई चलाने के बाद में, तो देखिए मैंने ना ये इंडक्शन पर रख दिया है घी बनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम ऐसा होता है ना, जब तक काम से ना फ्री हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे कितना सारा काम फैला हुआ है। तो मेरी मलाई देखिए इंडक्शन पे मैंने रख दी थी, और घी बनते बनते देखिए इस तरीके से कलर दे गया है ना, घी अलग होता जा रहा है और मलाई वो है वो फट गई है, मतलब घी बनता आ रहा है। ये शाम का टाइम है और मैंने ना पूरा काम कर लिया था, आंगन वगैरह सब धुल दिया था मैंने, शिम्मा भी बैठा हुआ है, और थोड़ी देर में मैं भी जमुना जी पे गई थी घूमने के लिए, झाड़ू पोछा लगा दिया था। और यही देखिए दूसरी साइड में है ना, वो मैंने कोयल के जो छत्ते आते हैं ना वो भी जला के रख दिए थे, जिससे कि मच्छर ना लगे। ये मैं ना धुआं कर देती हूँ, और इसे ना डेली करती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि जब बच्चे बाहर खेलते हैं और मैं भी इसे जलाने के बाद मैं बाहर ही निकल जाती हूँ, जमुना जी पर घूमने के लिए चली गई थी। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।